हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे शेड टोन्स। शेड टोन्स में पेज नंबर आपका 14 है बुक में, उसमें दी हुई है लाइट टोन, मिडल टोन और डार्क टोन। ठीक है, तीन तरीके की हमारी टोन डलती है जब हम शेड करते हैं। ऐसे ही नीचे दिया हुआ है, टॉप से डाउन की तरफ जाएंगे तो हमें किस तरीके से हमें लाइट की तरफ आना है डार्क से, इसी तरीके से इसमें है डार्क से लाइट की तरफ। ठीक है, अब हम पेज नंबर आएंगे 15 पे। 15 पे आपकी शेडिंग की शेड दिए हुए हैं किस तरीके से हमें करनी है। चार तरीके की शेड है इसमें। ठीक है, ये सबसे पहले है सिंपल। तो सिंपल में हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमें पेंसिल लेनी है, शेडिंग पेंसिल। ठीक है, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, जैसे इसमें 12B लिखा हुआ है, ऐसे आपको 8B की पेंसिल लेनी है। यहाँ पर 8 और B, ना कि 8HB। ठीक है, आपको 8B की पेंसिल लेनी है। अब इसको हमें करना कैसे है, आपके ये बॉक्स बने हुए हैं सामने। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम लेंगे, देखो यहाँ पर डार्क शेड है और डार्क से हम लाइट की तरफ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पेंसिल को पकड़ने का तरीका मैंने आपको बताया भी है, और एक बार फिर से कैसे पकड़ते हैं पेंसिल को, यहाँ से ये पकड़ेंगे ऐसे, ये फिंगर हमारी यहाँ होगी। ठीक है, इसको यहाँ लेंगे सबसे पहले और इस तरीके से टोन्स लगाएंगे हम। ये वन साइड हो गई हमारी, फिर हम दूसरी साइड से टोन्स लगाएंगे, लेकिन हमें छोटी छोटी टोन्स लगानी है इसमें, ज्यादा बड़ी नहीं करनी है और बाहर नहीं निकालनी है। और जब हम लाइट की तरफ चलेंगे तो हम पेंसिल बहुत लाइट चलाएंगे। ये देखिए, जैसे ये इस तरीके से आ गई हमारी, यहाँ पर डार्क टोन है, डार्क से हम लाइट की तरफ आए। ठीक है, अब नीचे आपकी दी हुई है ये किस तरीके से करनी है हमें, इसमें हमें पेंसिल, जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं उसी तरीके से पकड़ना है, और छोटे छोटे स्ट्रोक में करनी है। ये सबसे पहले कॉर्नर से लेंगे, यहाँ से इस तरीके के आप स्ट्रोक लगाओगे, सिर्फ एक बारी में लगना चाहिए। एक ये नहीं, आपने यहाँ से लगाया और फिर बीच में से इसको कवर किया, बीच में से कवर नहीं करेंगे इसको, सीधा बस यहाँ से सिर्फ जितना आ रहा है उसको उतना ही लेना है इस तरीके से। ठीक है, पहले एक साइड को कवर करेंगे इस तरीके से, फिर दूसरी साइड से करेंगे यहाँ से।
देखिए, पर ये इस तरीके से आ जाएगी हमारी शेडिंग, ठीक है, डार्क है यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ लाइट। अब आते हैं हम क्रॉस क्रॉस शेडिंग में, ये कैसे करनी है। जैसे हमने ये की है सेम इसी तरीके से ये करना है हमें। पहले फर्स्ट आप इसी तरीके से ये करेंगे यहाँ, ठीक है, इसको पहले कवर कर लेंगे ऐसे, ऐसे कर लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों अब सेम हो गई हैं, ठीक। अब इसको क्या करना है आपको, पहले आपने ये ऐसे ली है तो अब हम इसको इधर से करेंगे क्रॉस में, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसमें भी ऐसे हुआ है, ये डार्क शेड हो गई, यहाँ पर हमारी लाइट हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ नंबर पर, फोर्थ नंबर पे हमारी इसको सर्कल में करना है हमें, सर्कल शेडिंग है। इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, पेंसिल को ऐसे पकड़ना है जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं और उसको हमें ऐसे राउंड राउंड करके चलाना है। इसमें भी सेम है कि सबसे पहले हम पेंसिल को थोड़ा डार्क चलाएंगे और फिर हमें पेंसिल लाइट चलानी है। देखिए इस तरीके से आपको ये वाली शेडिंग करनी है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपको बुक में ही करना है,
जैसे शेड सामने दिया हुआ है उसी तरीके से आपको शेडिंग सामने करनी है, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 16 पे। 16 पे पेज नंबर पे आपको ये दिए हुए हैं, इसमें भी शेड है, ठीक है। इसको हमने जैसे अभी पीछे सीखा है कि हमारी डार्क शेड है और मिडल शेड है और फिर लाइट है, तो इसको हमें किस तरीके से करना है, ये आपको कॉपी में करना है। आपकी इस तरीके की ड्राइंग कॉपी होगी, उस ड्राइंग कॉपी में आपको यहाँ पर सबसे पहले आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये ड्रॉ करना है इस तरीके से, कॉपी को ऐसे लंबाई में रखेंगे आप और तब आप इसको ड्रॉ करेंगे यहां से। इस पे आप इस तरीके से कॉपी पे लाइनिंग कर लेंगे पहले और उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से बुक में देखेंगे हम कितनी दूरी पर बना हुआ है, तो ऐसे ही हम यहाँ से बनाएंगे जिससे कि हम सारी चीज कवर कर सकें। इसमें यहाँ पर हम आए तो ये आप लोग बना लेंगे, जैसे ये इस तरीके से शेडिंग दी हुई है, इसमें सबसे पहले एक लाइट में ऐसे ही पेंसिल चलाएंगे, ठीक है। बन गया है, इसके बाद देखना जैसे पीछे मैंने शेड सिखाई है आपको उसी तरीके से शेड करनी है, पेंसिल को इस तरीके से पकड़ते हैं। अब देखो इसमें इस तरीके की लाइनें दी हुई हैं जिससे कि ये पहाड़ जैसा लगता है, ठीक है। पहाड़ में इस तरीके की शेडिंग होती है तो वो आप इसी तरीके से करेंगे। इस तरीके से हमारी ये डार्क टोन आ जाएगी, ठीक है। अब ऊपर हमें मिडिल लेनी है तो मिडिल भी इसी तरीके से लेंगे।